हरे कृष्णा क्लास 10, कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने जन ज्ञानी कीड़ा में। आई होप आप सभी ने एनसीईआरटी अभी तक फिनिश कर ली होगी और साथ ही साथ में एनसीईआरटी एग्जाम पर जो मैंने सीरीज डाली थी वो भी कर ली होगी। देखो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी करने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है एज इट इज क्वेश्चन उठ के आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं और जितने भी टॉपर्स होते हैं वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को जरूर करते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि एनसीईआरटी करने के बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी चाहिए, उसके बाद पीवाईक्यू के क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी कर लिया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करी, उसके बाद अगर आपको चेक करना है कि क्या आप सही से सीबीएसई क्वेश्चन को कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीवाईक्यू की सीरीज को या पीवाईक्यू के क्वेश्चन को करने पड़ेंगे। तो इसीलिए जो हमने पीवाईक्यू की सीरीज को स्टार्ट किया कि 2020 में चाहे बेसिक से हो चाहे स्टैंडर्ड से हो, किस तरह क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे थे उसकी पूरी सीरीज डाली हुई है। हम चैप्टर नंबर 7 तक पूरा सॉल्व कर चुके हैं, आज करेंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 बच्चों को बहुत टफ लगता है, ट्रिग्नोमेट्री की बोलते हैं सर यहां से क्वेश्चन हमेशा बाहर से आता है। तो बाहर से वो क्वेश्चन आता है वो अपने आप कर सकते हो कैसे, जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। देखो कुछ चैप्टर ऐसे हैं, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो गया और चैप्टर 5 हो गया और चैप्टर नंबर आपका 13 हो गया है ना, चैप्टर 6 हो गया या चैप्टर 10, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि ना बाहर से बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो एनसीईआरटी के साथ इसीलिए जो है एनसीईआरटी करने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल, क्योंकि वहां पर 1 मार्क्स से क्वेश्चन, 2 मार्क्स से क्वेश्चन, 3 मार्क्स से क्वेश्चन और 4 मार्क्स से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल के अंदर है और मैंने पूरा करा रखा है। तो एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल फिर पीवाईक्यू की सीरीज, तो आज हम लेने वाले चैप्टर नंबर 8। आइए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे थे और कमेंट करके जरूर बताना क्या वाकई में सारे चैप्टर आपको टफ लग रहे थे। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जैसी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आती है आप तक जरूर पहुंचे, ठीक है। और इन सारी वीडियोस को शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड में ताकि उनका भी इससे फायदा हो सके। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो हर बार स्टूडेंट्स को लगता है कि यहाँ से थोड़े टफ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि सीबीएसई ने क्या वाकई में टफ क्वेश्चन पूछे थे या इजी पूछे थे। यहाँ पर स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों कलेक्शन है, तो आपको एक काफी अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि सीबीएसई 2020 में कैसे क्वेश्चन पूछे थे। और दूसरी बात यह है कि जब हम एनसीईआरटी करते हैं उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन चाहिए होते हैं, ठीक है। अब हमें ये डर रहता है कि जो हमने एनसीईआरटी करा क्या उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्या हम सिक्योर है, क्या सीबीएसई में हम लोग मार्क्स ला पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है, उस चीज को दूर करने के लिए आपने जो भी प्रीवियस ईयर में सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछे थे उसे आप करके देखो। अगर आप अच्छे से कर पा रहे हो इसका तैयारी बहुत बड़े चले, नहीं कर पा रहे इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका बेसिक अभी भी कमजोर है। तो आइए फटाफट से देखते हैं, पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन के ऊपर, करेक्ट। साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। अगर साइन थीटा दे रखा 5/13 तो टेन थीटा की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो साइन थीटा दे रखा है 5/15, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, साइन का मतलब पी अपॉन पर एच। आपने वीडियो देखे ने, पापा बोले पप्पू हरी हरी बोल, तो पी अपॉन पर एच होता है, मतलब पी कितना मिल गया 5 मिल गया और एच कितना मिल गया 13 मिल गया, ठीक है। इसका यहाँ पर बी मिसिंग है, बी निकालेंगे। ये किसने सिखाया, पाथागोरस थ्योरम ने, क्या क्या होता है वो, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर बराबर में हो गया 5 का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर में निकालना है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, इक्वल 25 प्लस में बी का स्क्वायर, तो 169 माइनस में 25 बराबर में बी का स्क्वायर हो गया, और हम कह सकते हैं बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 144, तो बी आ गया रूट में 144 जो कि हो गया हमारे पास 12 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा, 12 निकल के आ जाएगा। किसकी वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू किसकी है, बी की वैल्यू निकल के। हमने पूछा टेन थीटा कितना होगा, रेशियो टेन थीटा होता है हमारे कितना, पी अपॉन बी होता है, पी कितना निकल के आ गया 5/5, बी कितना निकल के आ गया हमारे पास 12, तो 5/12 इज द टेन थीटा। क्लियर है तक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर एक और चीज है, जो रेशियो होता है ना वहां पर ना कभी कर अपने बुक में देखोगा मल्टीपल ऑफ के माना गया है ना, तो यहाँ पर ये तो रेशियो की बात है, जब भी कोई रेशियो में दे रखा तो मल्टीपल ऑफ एक्स मानते हैं, मतलब के मानते हैं, ठीक है। लेकिन हमें आंसर भी रेशियो में ही चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर के का मल्टीपल नहीं माना। तो आप अगर नहीं भी मानोगे तो भी आंसर बिल्कुल सही होगा, लेकिन स्कूल में यहाँ पर मल्टीपल ऑफ के मानते हैं, तो 5k 13k, यहाँ पर के चलता साथ में, यहाँ 12k निकल के आता है, फिर 5k 12k, के से के खत्म होता है, 5/12 आंसर निकल के आता है, तो वो भी आप देख सकते हो वो भी सही है और ये भी बिल्कुल सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, द वैल्यू ऑफ 10² 60° प्लस साइन स्क्वायर 45 क्या होगा। ओके डायरेक्ट टेबल मैंने आपको, देखो मैंने ना जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसे याद करने का बहुत ही ज्यादा अच्छा तरीका आपको बता रखा है, बिना किसी ट्रे मतलब उसके आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी, आपको 2 ट्राइंगल की वैल्यू याद करनी है और आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आंसर आ जाएंगे। हाँ आप सर्च कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और ट्रिक बाय ज्ञानी कीड़ा, आपको वो मिल जाएगा, उसे ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो उसको ना, और उसके बाद आपको टेबल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना क्या होगा, पहले आपको टेबल, मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं पहले क्या करते हैं एग्जाम्स के तुरंत पहले टेबल बना देते हैं,
टेबल बनाते हैं 0, 1, 2, 3, 4 रूट रूट करके। टेबल नीड नहीं है, सिर्फ ट्राइंगल याद रखो वो क्या है, अभी सर्च करना, वीडियो को पॉज करो और जिसने वो वीडियो नहीं देखी सर्च करो क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल को लर्न करने का बेस्ट ट्रिक बाय गैनिकेडा, उसे देखो, उसके बाद देखना आपको सारी वैल्यू अपने आप याद हो चुकी होगी और बताना कैसे लगे वीडियो, ठीक है। तो 10 स्क्वायर 60 डिग्री, तो 10 60 होता है हमारे पास, देखो 10 60 होता है हमारे पास रूट थ्री, ठीक है, और साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, ठीक है। तो 10 स्क्वायर 60 का मतलब क्या हुआ, √3 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, ठीक है, और साइन स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर रूट खत्म होता जाएगा, 3 + 1 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, नीचे 1 लगाएंगे तो 6 + 1/√2 जो कि आ गया 7/√2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है अगर 10a + b √3 दे रखा है, क्या बोला मैंने यहाँ पर, अगर 10a + b दे रखा है, कितना √3 दे रखा है और साथ ही साथ में 10a - b दे रखा कितना 1/√3, तो a की क्या वैल्यू होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और a जो है वो b से बड़ा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन हम तभी सॉल्व कर पाए, a और b की हम वैल्यू कब निकाल पाएंगे, जब 10 10 का जनरेट खत्म हो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हट जाए तभी हम यहाँ पर a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। दो इक्वेशन आ जाएगी सॉल्व कर देंगे वहां पर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये देखा मैंने 10a - b में और √3 को 10 60 तो लिख सकते हैं, यस 10 60 की वैल्यू होती है, ठीक है, और यहाँ पर इसी में से करेंगे 10a - b और 1/√3 को लिख सकते हैं 10 30 डिग्री, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग अगर मैं कंपेयर करूं तो a - b की कितनी वैल्यू आ गई, वो आ गई 60 डिग्री, इसे क्वेश्चन नंबर क्या बोल दिया मैंने 1 कर दिया और ये क्या आ जाएगा, सॉरी ये a प्लस है यहाँ पर आ जाएगा, फिर आ जाएगा नीचे a - b का कितना आ जाएगा कंपेयर करने पर 30 डिग्री निकल के आ जाएगी, ये क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया b से b खत्म, a और a 2a निकल के आ गया, हो गया 90 डिग्री और a कितना आ गया 90/√2 और a आ गया कितना 45 डिग्री निकल के आ जाएगा a की वैल्यू, हमें a निकालना था कितना आ गया 45 डिग्री निकल के आ गया, कोई प्रॉब्लम b निकालना हो तो आपको पता a और b 60 डिग्री है तो b 50 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, 1 मार्क्स के या फिर 2 मार्क्स के भी आ सकते हैं, तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ये आपके स्क्रीन के ऊपर, If cot theta equal to 12.5 देगा, then the value of sin theta, same ऐसे अभी हमने किया था, मैं दोबारा बताता हूँ आपको, cot theta कितना देखा हमें 12/5, ठीक है, पापा बोले पप्पू हरी हरी बोलिए होता है, b/p होता, ठीक है, तो हमें h नहीं पता, ठीक है, और p दे रखा हमें 5 और b दे रखा हमें कितना 12 हो गया, पाइथागोरस थ्योरम ने क्या बोला h² = p² + b², ठीक है, तो h² = 12 का square + 5 का square, तो h² = 144 + 25, तो h² = कितना हो गया 169 स्क्वायर, वहां जाके रूट बनता है और इसका मतलब कितना हो गया 13 × 13, तो आंसर आ गया 30 निकल के आ गया, ठीक है। अगेन वही k मान सकते हो ना भी मान सकते हो, बात देखिए साइन थीटा में निकालना है, तो पापा बोले पप्पू p/h कितना आ गया हमारे पास साइन थीटा होता है p/h, p कितना हमारे पास 5/h कितना निकला 13, तो 5/13 इज द राइट आंसर। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फिर आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा था वैल्यू ऑफ दिस क्या होगा, ठीक है। देखो ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे हैं, कमेंट करके बताओ क्या क्वेश्चन टफ लग रहे हैं या इजी लग रहे हैं, कैसे कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, कमेंट बॉक्स के जरूर बताओ मेरे को, चलो से करते हैं। देखो यहाँ पर ना जिस तरह ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, पहले क्या है अगर जहां पर कोई आइडेंटिटी लग रही होती है फॉर्मुला लगा तो उसे लगाना चाहिए, जिसके हमें पता डायरेक्ट दिख रहा है 1 + 10² θ जो है ना वो sec² θ के बराबर होता है, ठीक है, तो हो गया 1/ पे जाएगा ये sec² θ, ठीक है, और 1/ sec होता है cos, ठीक है, तो क्या जाएगा प्लस में cos² θ, और फिर से आइडेंटिटी लग गई sin² θ + cos² θ कितनी होती है 1 होती है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 निकल के आ जाएगा, और कितने मार्क्स का ये 1 मार्क्स का दे रखा था, ठीक है। और मैं क्वेश्चन दे रखा है आपके स्क्रीन के ऊपर, वैल्यू ऑफ दिस क्या होगा, तो 1 + 10² θ हमारे पास दे रखा है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में ये a - b a + b है, मतलब a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 + 10² θ एंटी के लगा भी लगाया मैंने sec² θ होता है और हो जाएगा 1 - sin² θ। अब देखो ध्यान से हमें पता है कि sin² θ + cos² θ होता है 1, ठीक है, तो ये cos² θ कितनी आ जाएगी 1 - sin² θ, मतलब 1 - sin² θ को हम लिख सकते हैं cos² θ, तो ये जाएगा sec² θ मल्टीप्लाई बाय cos² θ, और हमने अभी देखा था cos² θ को कैसे लिख सकते हैं 1/sec² θ, इससे खत्म हो गया, कितना आंसर निकल गया है 1, और कितने मार्क्स होता 1 मार्क्स होता, टीचर टिक करेगा 1 मार्क्स देगा और आगे बढ़ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पर 6, ठीक है।
ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है cot थीटा प्लस में cos थीटा माइनस 1 अपॉन में cot थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 की हल क्या होगी। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है फिक्स होते हैं, जैसे कि sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन में cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 या tan थीटा tan और उसमें sec में रिलेशन आ सकता है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, सिर्फ sin का फर्क होता है, उसे फिक्स तरह से करते हैं। कैसे करते हैं सुनो ध्यान से, पहले हम लेते हैं टेकिंग LHS, बहुत सिंपल तरीका है टेकिंग LHS, ठीक है। सारे क्वेश्चन करोगे आज का दिए तो आएगा cot थीटा और प्लस में cos थीटा और माइनस में वन दे रखा आपको और अपॉन पे cot थीटा माइनस में cos थीटा और प्लस वन। ऐसे क्वेश्चन डिनोमेटर कुछ नहीं करना, जो न्यूमेटर है उसमें वन की वैल्यू को तोड़ना। कैसे, देखो ध्यान से, cosec और cot में रिलेशन होता है, जो भी हो रिलेशन जरूर होगा इनके बीच में। हमें पता है कि cosec स्क्वायर थीटा और इक्वल टू होता है वन प्लस में cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमें माइनस वन की वैल्यू चाहिए तो माइनस इधर आएगा तो माइनस वन हो गया और ये हो जाएगा हमारे पास cot स्क्वायर थीटा माइनस में cosec स्क्वायर थीटा, मतलब हम लोग माइनस वन की जगह जो है ये वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ठीक है। वही हमें काम यहाँ पर करना है, तो cot थीटा और प्लस में cosec थीटा और इधर का प्लस में cot स्क्वायर थीटा माइनस में cosec स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे हम लोग, तो आएगा cot थीटा माइनस में cosec थीटा और प्लस में वन आएगा, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा cot थीटा प्लस में cosec थीटा और प्लस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या करेंगे एक बार लिखेंगे प्लस में, ठीक है, और एक बार इसी को क्या करेंगे माइनस में लिख देंगे, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाया, सिंपल सी बात है, ठीक है। और फिर यहां पर आएगा डिवाइड बाय आएगा cot थीटा माइनस में cosec थीटा प्लस में 1 निकल के आएगा, क्लियर है। अब देखो यहां पर cot थीटा प्लस cosec थीटा यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो क्यों ना कॉमन लेते हैं, ले लेते हैं कॉमन, तो आएगा cot थीटा प्लस में अगर मैं cosec थीटा को कॉमन ले लूं तो क्या बचा, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा प्लस में cot थीटा माइनस में cosec थीटा, ठीक है। और फिर डिवाइड बाय निकल के आ जाएगा ये cot थीटा माइनस में cosec थीटा प्लस में 1, ठीक है। अब ध्यान दो क्या ये प्लस का cot माइनस cosec प्लस का प्लस 1, ये खत्म हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, ये बचा cot थीटा प्लस में cosec थीटा, ओके। cot का मतलब होता है cos थीटा अपॉन पे sin थीटा और cosec का मतलब होता है 1 अपॉन पे sin थीटा, डिनोमिनेटर से हम आ गए तो बन गया cos थीटा प्लस में 1 अपॉन पर sin थीटा, रीअरेंज कर देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस में cos थीटा अपॉन पर sin थीटा। बोलो क्या मुश्किल है ये क्वेश्चन, क्या ये मुश्किल क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं है। तो आपने क्या चीज ध्यान रखनी है कि वन को आपने जो है सही से तोड़ना है फॉर्मूले में यूज करके, जो कि इस तरह आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्मूले याद नहीं है और सोचो ट्रिग्नोमेट्री हो जाए, तो मैं बात ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल तरीका कि अगर आपको सारी आइडेंटिटी याद हो, पहली बात तो देखो सर्च किया, सारी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन दे रखे उससे करो आप, उसके अंदर एनसीईआरटी एग्जांपल जो मैंने कराई उसे करो, उसके बाद पीवाईक्यू के क्वेश्चन कर लो, हो गया। कितने क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। और इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन की नीड है, देखो यहाँ पर क्या ट्रिग्नोमेट्री और चैप्टर नंबर 6 चैप्टर 10 ऐसे चैप्टर है जहां पर आप जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही एनहेंस होगा आपके टैलेंट, ठीक है, उतना ही आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर पाओगे। तो अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन की नीड है, ट्रिग्नोमेट्री के सीबीएसई ने लास्ट 10 साल में कितने क्वेश्चन पूछे थे, सिंपल है, सारा कलेक्शन दे रखा गया एप्लीकेशन के अंदर, जाओ और एप्लीकेशन के अंदर विजिट करो और केवल चैप्टर नंबर 8 वाले पीडीएफ को एक्सेस कर लो, ठीक है। और वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन है, अपने पीडीएफ खोलो और बैठ कर प्रैक्टिस करते रहो। जो नहीं आता टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है उसे ज्वाइन करके रखो, और जो नंबर है मेरा उसमें जो है मेरे को फोटो खींच के क्वेश्चन को भेज दो, जैसे ही फ्री होता आपको बता दूंगा। तो ऐसे करोगे तो आपकी जो है ट्रिग्नोमेट्री चीजें काफी आसान हो जाएंगी। देखो चीजों से भाग के कभी भी हम उसका सामना नहीं कर सकते, ठीक है, कहते हैं भय से भागना नहीं चाहिए, भय का सामना करना चाहिए। अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है अगर उससे दूर भागे ना वो और बड़ी लगने लगेगी और कभी भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, फिर किसी भी चैप्टर को प्रॉब्लम आती है ना, एक दिन डट के एक दो दिन का लोड टाइम और सामना करो उसका, कि मैं इस चैप्टर को हर हालत में 2-3 दिन में फिनिश करके रहूंगा। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आप भागोगे। क्या बोला मैंने, भय से भागना नहीं है, भय का सामना करना है, ठीक है, तभी क्या होगा हम उसे ओवरकम कर पाएंगे। वरना जिंदगी भर क्या रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं आई। बच्चा अगर आगे जाके आपका बेटा पूछेगा पापा मम्मी ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन था, बेटा ट्रिग्नोमेट्री तो हम आज तक समझ नहीं पाए, ये होता नहीं होता, बहुत के साथ ऐसा होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का सामना करो ताकि आने वाले टाइम पे अपने बच्चों को सही से बता सको कि ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए, If x equal to 3 sin theta plus 4 cos theta दे रखा, y दे रखा इतना, then prove that x square plus y square दे रखा 25, ये प्रूफ करना, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर ना x क्या दे रखा है, x दे रखा आपको कितना 3 sin theta plus में 4 cos theta दे रखा है, हमें चाहिए x square, तो squaring both side करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे squaring both side, तो squaring both side क्या मैंने क्या बन जाएगा, ये x square equal to यहाँ लगेगा a plus b का whole square, तो आएगा a का square, ठीक है, a का square, फिर आएगा प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या आएगा प्लस में
टू मल्टीप्लाई ए, ठीक है, और इंटू पर क्या आएगा, इंटू पर आ जाएगा बी, तो एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9 sin² θ प्लस में 16 cos² θ प्लस में चाहते 24 sin θ इंटू पर cos θ, इसे हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ओके अब यहां पर लाइन खींचते हैं इस तरह से, हमें वाई कितना रखा है, दूसरे पेन से करते हैं, हमें दे रखा वाई, वाई दे रखा हमें कितना 3 cos θ माइनस में 4 sin θ, ठीक है। अब फिर से वो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, क्या निकल के आएगा, ये जगह y का स्क्वायर, फिर से वहां पर ये जगह 3 cos θ का a का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस में कितना आएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में 2ab, तो 2 × a (b) निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये जगह y का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9 cos² θ और प्लस में 16 sin² θ और माइनस में 24 sin θ इंटू पर cos θ, ये जगह इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हमें क्या करना, दोनों में प्लस का साइन है तो एडिंग 1 एंड 2 करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर में ये ऐड करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ध्यान से ध्यान, ठीक है, तो आएगा 9 sin² θ प्लस में फिर 9 cos² θ फिर प्लस में 16 cos² θ फिर प्लस में कितना आएगा 16 sin² θ और फिर प्लस में 24 sin θ इंटू पर cos θ माइनस में 24 sin θ इंटू पर cos θ निकल के आ जाएगा, सही है। आप क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू से वाली वैल्यू खत्म हो गई प्लस माइनस वाली, देखा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 कॉमन करेंगे कितना आएगा sin² θ प्लस में cos² θ और प्लस में 16 इंटू पर cos² θ प्लस में sin² θ। अब आपको पता है आइडेंटिटी, sin² θ प्लस cos² θ कितना होता है, 1 होता है, चाहे cos² θ प्लस sin² θ भी कितना होता है, 1, सेम ही चीज है। तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा 9 प्लस में 16, तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर कितना जाएगा 25 निकल के आ जाएगा। और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, हो गया हैंस प्रूव्ड, कोई प्रॉब्लम, बहुत सिंपल सा है। तो भाई से भागना नहीं है, भाई का कमेंट करके बताओ। और मैं क्वेश्चन दे रखा, मैं ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है, तो ध्यान सुनिए कैसे करना से, तो सिंपल से बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ये। यहाँ पर लिखा साइन थीटा इक्वल टू, इसे कर देंगे हम लोग 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है, ओके। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू निकल के आई, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ओके। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या निकल के आएगा, साइन स्क्वायर थीटा निकल के आ जाएगा कॉस की पावर 4θ हो जाएगा, इसे मान लो तुम लोग इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये हो गई। हमें किसके लिए निकालनी है, हमें ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस की पावर 4θ की वैल्यू 1 हो, ये हमें प्रूफ करना है। तो LHS लेते हैं यहाँ पर, अब cos स्क्वायर थीटा कितना दे रखा है, साइन के बराबर है, तो देखा साइन थीटा, cos की पावर 4θ किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू तो हमें 1 दे रखी है, गिवन है, तो बराबर में 1 आ गया और ये हो गया RHS के बराबर। बहुत सिंपल तरीका होता है करने का, आई होप आपको समझ आ गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन के ऊपर, प्रूफ दैट, इसकी वैल्यू प्रूफ करना है, ठीक है, सिंपल है हमारे पास। तो याद आएगा हमें LCM कितना आएगा, इसका LCM LHS को लेते हैं तो आएगा a प्लस, मतलब इतना आएगा मल्टीप्लाई में, इतना आएगा 1 माइनस में sin थीटा, LCM आएगा और इसको 1 से करके कितना आएगा, 1 माइनस में sin थीटा और प्लस में कितना जाएगा, 1 प्लस में sin थीटा बराबर में कितना जाएगा, ये हमें प्रूफ करना है, क्यों लिख दिया मैंने, चलिए। तो ये जाएगा, इससे खत्म हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, अपॉन पर a प्लस b a माइनस b, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और माइनस में sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर कितना होता है, आइडेंटिटी बताओ, cos स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन cos, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू पर 1 अपॉन पर cos स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन cos क्या होता है, sec होता है, तो 2 sec स्क्वायर थीटा निकल के आ जाएगा RHS के बराबर, ठीक है, सिंपल है। और मैं क्वेश्चन पूछा हुआ ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है प्रूफ दैट, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, क्या प्रूफ करना है, टेकिंग LHS, ठीक है, तो 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन पर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा के लिए ये प्रूफ करनी है। देखो सिंपल सी बात है, 1 को 1 लिखो, tan को लिख सकते हैं हम लोग sin स्क्वायर थीटा अपॉन पर cos स्क्वायर थीटा, नीचे कुछ नहीं लगा दो, और यहां पर कितना आएगा 1 प्लस में sin स्क्वायर थीटा अपॉन पर cos स्क्वायर थीटा, नीचे कुछ नहीं 1 लगा दो, सॉल्व करो एलसीएम लेके, cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा अपॉन पर cos स्क्वायर थीटा अपॉन पर cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा अपॉन पर cos स्क्वायर थीटा, इससे तो ये खत्म हो गया, ठीक है, क्या बचा हमारे पास,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी कितनी होती है 1, नीचे कितना आएगा 1, और ब्राउन कितना देगा ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और यही तो प्रूफ करना था, तो हमें क्या आ गया आर एच एस के बराबर आ गया। बहुत ही इजी और नकली क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे थे पिछले साल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन के ऊपर अगर 5 10 थीटा इक्वल 3 दे रखा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, की वैल्यू क्या होगी। सो करने के क्या सिंपल तरीका आपको बताता हूं मैं, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो 5 sin थीटा माइनस में 3 cos थीटा और अपॉन पे 4 sin थीटा और प्लस में 3 cos थीटा के लिए कितना होगा, ठीक है। तो हमें यहां पर जो है ना क्या दे रखा है 5 10 थीटा बराबर 3 दे रखा है, तो एक बार क्या हो गया, इसलिए लिख सकते हैं 10 थीटा जो हो गया वो 3 अपॉन पे 5 हो गया, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, tan थीटा जो है वो 3 अपॉन 5 है। ओके देखो दो तरीके क्या बताया मैंने, ये p अपॉन b हो गया, h निकाल लो तो sin और cos की वैल्यू निकालो, वैल्यू पुट करो आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, डिवाइड बाय cos थीटा, से tan ही बना लो, डिवाइड बाय का लिखेंगे यहां पर डिवाइड बाय cos थीटा इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो बन जाएगा 5 sin थीटा अपॉन पर cos थीटा और माइनस में 3 cos थीटा अपॉन पर cos थीटा, ठीक है, अपॉन पर 4 sin थीटा अपॉन पर cos थीटा और प्लस में 3 cos थीटा अपॉन पर cos थीटा, सही है। तो cos से cos खत्म हो गया, तो खत्म हो गया, ये क्या बन गया 5 tan थीटा माइनस में 3 अपॉन पे 4 tan थीटा प्लस में 3 हो गया, ठीक है। अब कितना tan की वैल्यू निकालो, 3 अपॉन 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन पे 5 tan की वैल्यू हो गई, माइनस 3 अपॉन पर 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन पे 5 प्लस पे 3 हो गया, 5 से 5 कैंसिल, 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, 0 अपॉन कुछ भी हो कितना आंसर आएगा 0 ही तो निकल के आएगा, उसका आंसर कितना आएगा 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और दूसरा तरीका क्या है, ये आपको तरीका P देगा B, H निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से और फिर साइन और कॉस की वैल्यू निकाल के वैल्यू पुट कर दो, तब भी आंसर कितना आएगा 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है प्रूव दैट 1 अपॉन साइन 1 माइनस साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा रूट में दे रखा है इतनी वाली, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो टेकिंग एलएचएस मतलब ट्रिग्नोमेट्री इतनी करो ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतनी करो ना कि मतलब देख के पता चल जाए कहां से, और हाथ चलते रहे बस मजा आता है फिर। तो इरेजर चलो, तो आ जाएगा पास रूट में क्या है 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन पर 1 प्लस में साइन थीटा, आपको पता क्या करते हैं स्लाइस करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है रूट के अंदर ही, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, राइटिंग थोड़ी खराब आती है ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब इसमें है ना, क्या बन जाएगा ऊपर 1 माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया ये अपॉन में कितना बन गया a माइनस b a प्लस b, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर बन गया, ये हो जाएगा हमारे पास रूट में कितना 1 माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट में कैसे 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन पर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, रूट को स्क्वायर को कॉमन कर लिया मैंने, ठीक है। अब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, क्या बचा हमारे पास 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन पे क्या बचा कॉस थीटा, अब अलग अलग कर दो 1 अपॉन पे कॉस थीटा अलग किया माइनस में साइन थीटा अपॉन पे कॉस थीटा अलग कर दिया, 1 अपॉन कॉस क्या होता है sec थीटा माइनस में कितना देगा tan थीटा निकल के आ जाएगा, यही तो प्रूफ करना था, बराबर हो गया आर एच एस। इसका और पार्ट में क्या दे रखा वो देखते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है हमें प्रूफ करना है कि दिस इक्वल टू 1, ठीक है अभी कर देते हैं, हमें पता कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी लग रही है कितना आएगा वो आता है sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, ये दो चीजें हमें याद रखनी है, पुट करो tan थीटा को tan रहने दो, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास cot स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये एलएचएस लिया मैंने। अब tan को लिख सकते हैं हम लोग sin थीटा sin स्क्वायर थीटा अपॉन पे cos स्क्वायर थीटा, है ना, और नीचे क्या हमारे पास sec स्क्वायर थीटा और फिर प्लस में cot स्क्वायर को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा अपॉन पर sin स्क्वायर थीटा, फिर नीचे क्या है cosec है तो cosec स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है cos और sin क्या होता है, दूसरे रेसिप्रोकल होते हैं, तो cos से ही खत्म हो गया sin से cos स्क्वायर खत्म हो गया, क्यों आपको पता ना, देखो sin क्या होता है sin थीटा होता है p अपॉन पे h और cosec थीटा कितना होता है वो होता है h अपॉन पे p, तो ये ऐसे ऐसे खत्म पीछे खत्म वन निकल के आता है, ठीक है, तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा निकल के ये आईटी बन गई कितना आता है 1, और ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 11, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, क्या बोल रहा है कि 1 प्लस में टेन ए माइनस में सेक ए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में टेन ए और प्लस में कितना आएगा सेक ए की वैल्यू क्या प्रूफ करनी है 2 टेन ए के बराबर प्रूफ करनी है, ठीक है, LHS लेते हैं, देखो ये बन गया a माइनस b और a प्लस b, तो क्या फॉर्मूला लगता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो करेंगे a का स्क्वायर, ठीक है, ऑफ माइनस में b का स्क्वायर, ठीक है, तो
तो वह ए जगह ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस में टू ए बी, टू ए बी इक्वल माइनस में कितना हो जाएगा sec स्क्वायर ए हो जाएगा, और वन प्लस में टेन स्क्वायर कितना होता है sec स्क्वायर ए होता है, और प्लस में टू टेन ए और फिर माइनस में sec स्क्वायर ए, इससे खत्म हो गया, कितना आंसर निकल गया है टू टेन ए, और यही बराबर हमें प्रूफ करना होता है इक्वल टू आर एच एस, सिंपल है या नहीं बताओ। अब चलते इसका और पोर्शन, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा प्रूफ दैट cosec थीटा अपॉन दिस दिस इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा, अभी प्रूफ कर देते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे, पहले कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम निकल के आएगा आप लोग का कैसे cosec थीटा माइनस है 1 और इनटू पर cosec थीटा प्लस 1, अजीब से नंबर का एलसीएम मल्टीप्लाई कर दो सीधा, अभी हो जाएगा हमारे पास cosec थीटा मल्टीप्लाई बाय cosec थीटा प्लस में 1 और फिर प्लस में cosec थीटा मल्टीप्लाई बाय cosec थीटा माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, इससे इसको इससे करो इसको इससे करो, ठीक है, cosec cosec क्या बन गया cosec स्क्वायर थीटा और प्लस में cosec थीटा और प्लस में cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cosec थीटा, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या बन जाएगा ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 a माइनस b a प्लस b, ठीक है, ओके, अब इससे वाले खत्म खत्म, क्या निकल गया हमारे पास, ये निकल गया 2 cosec स्क्वायर थीटा अपॉन में cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो आपको पता है cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा होता है, एंटी देखो मैंने वही करा, एंटी याद होनी चाहिए आपको, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 कितना जाएगा cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, अब इसका मतलब इसको लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा, तो हमें कितना जाएगा अपॉन पे आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, चलिए तो cosec को लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन पे sin स्क्वायर थीटा, और cot को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा अपॉन पर sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर खत्म हो गया, कितना आ गया 2 into पर 1 upon पे cos square theta, 1 upon cos क्या होता है sec होता है, तो देखा 2 sec square theta जो कि मैं प्रूफ करना था, बराबर कितना देगा RHS, सिंपल है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन के ऊपर 12, ये ध्यान सुनना ध्यान से, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है द रॉड AC of a TV disc antenna, रॉड AC है, ठीक है, is fixed at right angle to wall AB, ठीक है, ओके, एंड अ रॉड CD, एक रॉड CD लगा है सपोर्टिंग द डिस्क, डिस्क को सपोर्ट करने के लिए लगाया है इन फिगर, AC दे रखा हमें कितना 1.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है, और CD दे रखा हमें कितना 3 मीटर, ओके, देन tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो tan थीटा हम तब निकाल पाते हैं जब थीटा की वैल्यू पता होता है, थीटा निकालते हैं, ठीक है, अब देखो थीटा के सामने हमारे पास क्या ये एंगल दे रखा है, थीटा के सामने का परपेंडिकुलर होता है यहां पर हाइपोटेन्यूज और ये बेस है हमारे पास, ठीक है, तो P / S दे रखा हम लोग को, तो हमें पता है कि AC / CD, P / S क्या होता है पावर / वेरिएबल sin थीटा, ठीक है, और AC कितना रखा है 1.5 / CD कितना हो गया 3 इक्वल टू रखा sin थीटा, ये होता है कितना 1 / 2 इक्वल टू जाएगा sin थीटा, 1 / 2 कब होता है ये होता है sin 30 डिग्री पर इक्वल टू हो गया sin थीटा, तो कंपेयर करेंगे थीटा कितना आ गया 30 डिग्री निकल के आ जाएगा, हमें पूछा पड़ता है वैल्यू ऑफ tan थीटा, पहला क्वेश्चन दे रखा है tan थीटा कितना होगा, तो tan थीटा मतलब हो गया कि tan 30 डिग्री पूछ रहा है, तो कितना निकल के आएगा tan 30 डिग्री निकल के आएगा 1/√3, ठीक है, दूसरा क्या पूछा इसने कि sec थीटा प्लस में cosec थीटा क्या होगा, sec मतलब होता है sec मतलब sec 30 डिग्री, ठीक है, और प्लस में cosec 30 डिग्री, sec 30 मेरे होता है 2/√3 और cosec 30 होता है मेरे पास 2, ठीक है, निकलेंगे 1 आएगा 2 प्लस में 2√3/√3, अब चाहे रेशनलाइज कर सकते हो वरना यहाँ पे छोड़ सकते हो, तो जगह रूट थ्री मल्टीप्लाई 2 प्लस में 2√3/3, ये निकल के आ गया दोनों को ऐड करके के बाद, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना बच्चों को देख के लगता है वाह इतना भयंकर क्वेश्चन टफ होगा, ऐसे छोड़ दो बात टाइम खाएगा, लेकिन होता सिंपल से अगर ध्यान से रीड करोगे ना तो अपने आप कर लोगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ दैट 2 sin की पावर 6 थीटा प्लस में cos की पावर 6 थीटा माइनस में 3 sin की पावर 4 थीटा प्लस में cos की पावर 4 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 निकल के आया, मैं प्रूफ करना, काफी बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान लगा के सुनेंगे कैसे एडजस्ट, ऐसे क्वेश्चन को एडजस्ट करना पड़ता है कैसे, यहां पर लिखा 2 तो 2 लिखा मैंने, इसको लिख सकते हैं मैं ऐसे कि sin स्क्वायर थीटा की पावर 3 और इसको लिख दिया मैंने कैसे cos स्क्वायर थीटा की पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, इसे ना मैं फॉर्मूला बनाना चाहता हूं, क्या बनाना चाहता हूं मैं देखो ध्यान से आपको सुनाऊंगा, आपने बताया a क्यूब प्लस में बी क्यूब निकल के आ गया, अगर इसमें मान क्या कर दूं मैं प्लस में 3ab और a प्लस में b, ये और जुगाड़ लग जाए तो ये फॉर्मूला बन जाता है a प्लस में b का होल क्यूब का, तो मुझे ये फॉर्मूला बनाना है कैसे भी, ये फॉर्मूला बना दिया मेरे पास a क्यूब तो आ गया प्लस b क्यूब आ गया, इसका मतलब क्या और चाहिए प्लस में 3 चाहिए ab, a कितना हमारे पास sin स्क्वायर थीटा इनटू पर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया 3ab, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या a प्लस में b और चाहिए, मतलब a ये है हमारे पास प्लस में ये हो जाएगा b,
अब कोई काम खुद से तो कर नहीं सकते, अगर हमें ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो यही चीज हमें घटानी पड़ेगी, क्या साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो ये बात क्लियर हुई, ध्यान सुनो, ये चीज मैंने ऐड करी और चीज को सेपरेट, क्यों किया ऐसा, ताकि ये मिलकर ना फॉर्मूला बन जाए मेरा ये वाला, ये क्या बन गया, पहले मैं सिर्फ इसे सॉल्व, इस पार्ट को सॉल्व करो, फर्स्ट मानते हैं सेकंड मानते हैं, ठीक है, अभी इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, तो टू यहां पर हो गया, ओके, तो यहां से लेकर यहां तक मिलकर क्या बन गया, ये बन गया आपका ए प्लस बी का होल क्यूब, ए कितना है मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब बन गया, सिंपल है, ओके, फिर माइनस में क्या बना, माइनस में बना थ्री साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है एंटी का लगेगी, ये वन निकल के आता है, तो ये हो जाएगा वन, तो ये रहेंगे इस तरह से निकल के आएगा, ठीक है, अब ये भी क्या होता है, ये भी तो वन हो जाएगा, ये निकल के आ गया टू मल्टीप्लाई बाय वन माइनस में थ्री साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आ जाएगा टू वन जा टू माइनस में सिक्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू पर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गई फर्स्ट वाले की वैल्यू, ध्यान सुनना, अच्छा है क्वेश्चन, लेंथी है लेकिन इंटरेस्टिंग है। दूसरा क्या बोल रहा है, ये हमें सॉल्व करना है, क्या माइनस का थ्री और उसके बाद क्या हमारे पास साइन की पावर फोर थीटा और प्लस में कॉस की पावर फोर थीटा, ये हमें सेम हम इसे एडजस्ट करेंगे कैसे, ध्यान सुनो, इसे फॉर्मूला कन्वर्ट करेंगे कैसे, अभी लिखा है हमारे पास माइनस का थ्री साइन की पावर फोर थीटा, लिखता हूं मैं कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल, इसलिए लिखता हूं मैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी बन गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एक काम करता हूं मैं, तो यहां पर प्लस में टू ए बी और करता हूं, टू ए और बी और खुद से कुछ कर नहीं सकते, तो माइनस में टू ए बी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसे एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना, तो यहां से लेकर यहां तक क्या बन गया, ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या बन गया, ये टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू पर कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, अब ये क्या बन जाएगा, माइनस का थ्री ये तो हो गया वन है ना, वन का स्क्वायर वन हो गया, माइनस में टू साइन स्क्वायर थीटा और इंटू पर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, अब मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस थ्री इंटू वन माइनस का थ्री और प्लस में सिक्स साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू निकल गया किसकी, सेकेंड की, इसकी आ गई, ठीक है, अब प्लस में बना, अब एडजस्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो क्वेश्चन में रख रहा हूं मैं, तो आएगा टू प्लस, मैं चेंज करते हैं, टू माइनस में सिक्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में थ्री प्लस में सिक्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में वन, ठीक है, अब इससे तो खत्म हो गया, दो में से तीन का कितना है माइनस का वन और प्लस का वन कितना है कट के जीरो निकल के, अगर ये प्रूफ करना था ड्रॉ में आर एच एस, तो इस वीडियो को एक बार फिर से पीछे देखो और समझो एडजस्ट कैसे करता, समझने की कोशिश करो, जब भी क्वेश्चन आपको इस तरह के दिखाई देना पावर में तो दिमाग में रख लो कि इसे सॉल्व एडजस्ट ही करना पड़ता है, इसे भी क्या करोगे एडजस्ट ही करना पड़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 आपके स्क्रीन के ऊपर, करे साइन ए प्लस में ये इक्वल टू वन, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, रिपीट हो गया, इसे रिपीट होगी कोई बात नहीं, इसे आप करके फटाफट से इसे देख लो कि अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था तो ये कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, 15 आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दे रखा रूट थ्री, तो इसकी वैल्यू वन प्रूफ करने में, अब देख करते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है, तो दे रखा है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा इक्वल टू रूट थ्री दे रखा है, यार रूट ना देख के ना बड़ी घबराहट होती है, तो रूट को हटाना है, कैसे हटाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, लेकिन यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो क्या बन गया, ये बन जाएगा साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर बन जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ए का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में टू ए बी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट खत्म थ्री आ जाएगा, ये आइडेंटिटी लगी वन आ गया, तो वन प्लस में टू साइन थीटा इंटू पर कॉस थीटा कितना आ गया, थ्री आ गया, ये माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो टू साइन थीटा इंटू पर कॉस थीटा कितना हो गया, थ्री माइनस वन टू हो गया, तो टू से टू कैंसिल, तो साइन थीटा इंटू पर कॉस थीटा कितना आ गया, वन निकल के आ जाएगा, रुको प्रॉब्लम इसे छोड़ते हैं हम यहाँ पर, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, प्रूफ करना है, तो हम लेते हैं एलएचएस लेते हैं, एलएचएस ले लिया मैंने टेन थीटा प्लस में कॉस थीटा, इसको वन के बराबर प्रूफ करूंगा, टेन को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा अपॉन पर कॉस थीटा, और कॉट को लिख सकते हैं कैसे, कॉस थीटा अपॉन पर साइन थीटा, क्रॉस में करते हैं एलसीएम लेके, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस कॉस हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा नीचे कितना देगा, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू पर साइन थीटा निकल के आ जाएगा, सिंपल है, अभी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है, अपॉन में क्या आ गया, कॉस थीटा इंटू पर साइन थीटा, अरे ये बताओ कॉस थीटा साइन थीटा कितनी दे रखी है, वन दे रखी है, तो वन अपॉन वन कितना हो गया, वन निकल के आ गया, इस बराबर क्या हो गया आर एच एस, ये तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्रूफ दैट दिस इक्वल टू दिस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ओके आइए, आपको पता है कि
कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, सबको बता तो कॉट स्क्वायर क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में वन हो गया इक्वल टू क्या कॉट स्क्वायर थीटा होता है ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो वन प्लस में आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में से लिखता है वन का स्क्वायर अपॉन पे आ गया वन प्लस में कॉसेक अल्फा ठीक है, कॉसेक अल्फा और ये फिर हो जाएगा वन प्लस में माइनस में लिखेंगे तो एक बार करेंगे इसे कैसे प्लस में और एक बार किसमें लिखेंगे इसे एक बार लिखेंगे माइनस में अपॉन पर क्या आ जाएगा वन प्लस में कॉसेक अल्फा ठीक है। तो वन प्लस कॉसेक ये खत्म हो गया, वन प्लस में क्या बचा कॉसेक अल्फा माइनस वन, माइनस वन से वन खत्म कितना आया कॉसेक अल्फा, यही तो हमें प्रूफ करना था कॉसेक अल्फा के बराबर आ गया ठीक है। इसका और मैं क्वेश्चन चेक करता हूं ये आपके स्क्रीन के ओपन, क्वेश्चन कह रहा है शो द 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा के लिए ये प्रूफ करना, तो टेकिंग LHS, टेकिंग LHS क्या है इधर का 10 की पावर 4 थीटा प्लस में 10 स्क्वायर थीटा ठीक है, और आपको sec में कन्वर्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा जो है वो क्या होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, फिर कह सकते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा जो है वो sec स्क्वायर थीटा माइनस से 1 के बराबर होता है, यहां पर जरूरत पड़ेगी करने के लिए। तो 10 की यहां पे स्क्वायर है यहां पे स्क्वायर काम होता है 10 स्क्वायर थीटा कॉमन निकल लो कितना देगा यह देगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 निकल के आ जाएगा ठीक है। अब tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिया इस तरह से और ये 1 प्लस tan कितना sec स्क्वायर थीटा होता है तो सबको कन्वर्ट कर दिया, तो इसको से करेंगे कितना आएगा sec की पावर 4 थीटा माइनस में sec को से करेंगे कितना आएगा sec स्क्वायर थीटा, यही तो हमें प्रूफ करना था इक्वल टू हो गया RHS, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, किस चीज का क्वेश्चन करके मजा आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर 17, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल रूट टू देयर का प्रूफ दैट tan थीटा प्लस cos थीटा इक्वल 1/2 सेम ऐसे ही जैसे अभी हमने पीछे किया था, कौन सा क्वेश्चन किया था हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ये वाला इस तरह जो है जिससे हमने ये क्वेश्चन किया सेम ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन आपको आ गया भैया तो वैसे आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, तो ये रहा आपका होमवर्क करके 8700214328 बिना कॉल किए इसमें व्हाट्सएप कर देना ठीक है, ये होमवर्क समझ के। लास्ट क्वेश्चन 18 है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनिए बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है 3 साइन थीटा इंटू पर कॉस थीटा, अब हमें टेन टाइम वैल्यू प्रूफ करनी है, तो हमें टेन टाइम की दो वैल्यू आ रही है, टेन की दो वैल्यू निकलने का मतलब ये है कि टेन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। देखो वैल्यू दो कब आती है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 कितनी वैल्यू आती है दो, क्यों क्योंकि पावर कितनी 2 होती है, इसका मतलब यहां पर क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली 10 को लेके ठीक है। ओके 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहां पर कॉस डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं ठीक है यहां पर भी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड करते हैं, यहां पर भी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड करते हैं और यहां पर भी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड करते हैं, कोई भी काम दोनों तरफ करो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती। ये बन जाएगा हमारे पास कितना sec स्क्वायर थीटा प्लस में साइन अपॉन कॉस हो गया tan स्क्वायर थीटा ठीक है, बराबर में cos से ही खत्म ये जाएगा 3 tan थीटा ठीक है। ओके sec स्क्वायर थीटा कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, इंटीग्रल बताई थी और प्लस में हो गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल कितना आ जाएगा 3 tan थीटा, तो ये बन गया आपका 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस में 3 tan थीटा प्लस में 1 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए वैसे आना चाहिए माइनस का 3 ठीक है, तो जाएगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 माइनस 2 माइनस का 1, तो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस में 2 tan थीटा माइनस में tan थीटा प्लस में 1 इक्वल टू 0, यहां पर tan थीटा कॉमन करेंगे तो कितना आएगा यह आएगा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा कॉमन कर लो काम करो दोनों में है ना, तो आ जाएगा हमारे पास tan थीटा माइनस में 1 निकल के आ जाएगा ठीक है, और फिर यहां पर 1 कॉमन करेंगे आएगा tan थीटा माइनस में 1 इक्वल टू 0, तो क्या होगा tan थीटा माइनस में 1 एक तरफ और याद आएगा 2 tan थीटा माइनस में 1 एक तरफ इक्वल टू 0, तो ये tan थीटा माइनस में 1 इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार 2 tan थीटा माइनस में 1 इक्वल टू 0 करेंगे, यहां से आ गया tan थीटा इक्वल टू 1 और यहां से जो वैल्यू आई 2 tan थीटा इक्वल टू 1 और tan थीटा कितना आ गया वो आ गया 1 अपॉन पे, तो ये दो वैल्यू निकाल दी 1 भी आई और 1/2, तो 1 भी आया 1/2। इस तरह जो है सीबीएसई ने यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जब पूछे थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको क्या ऐसी सीरीज अच्छी लग रही है ठीक है, और क्या ये क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहे हैं या नहीं लग रहे मेरे को जरूर बताना ठीक है। और अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो मैंने आपको बता रखा है कि ज्ञानी की डक एप्लीकेशन के अंदर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट 10 साल में सीबीएसई ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे उसका कलेक्शन लाके दे दिया है आप लोग को,
तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। बाकी और देखो ध्यान, सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ना, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल मैंने करा रखा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में डील किए थे, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पल वाली वीडियो नहीं देखी है, इसके रिगार्डिंग आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल वाली वीडियो जरूर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो है ना, अगर आप स्टैंडर्ड से हो तो आपको जरूर करना चाहिए। सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके डाले हुए हैं हर एक क्वेश्चन को रिडक्शन के बाद, बस आपको जाकर वीडियो देखनी है। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को सारे फ्रेंड्स जरूर शेयर करना, ताकि उनका भी इससे फायदा हो। और जो मिशन है हमारे पास कि मिडिल क्लास के फैमिली तक बच्चों को क्वालिटी कंटेंट पहुंचाने का पूरे देश में, उसमें हमारा सहयोग दें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए हरे कृष्णा।